ओम टिम्बस जो है वो 1964 का हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मेरे फादर ने पठानकोट से आके यहाँ पे ये काम सेटअप किया था, और उस दौरान तो हम सिर्फ टिम्बर में डील करते थे, और उसके बाद हमने प्लाईवुड, लैमिनेट्स, मतलब जितने भी वुड से रिलेटेड आइटम्स हैं सब में डील करते हैं। ड्यूरो के साथ 70 या 69 से हम जुड़े हुए हैं, और वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था जो जुड़े हम, क्योंकि उस दौरान ड्यूरो के साथ जुड़ना इतना आसान नहीं था, इतना आसानी से कंपनी की डीलरशिप नहीं मिलती थी, तो उसके लिए आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी पड़ती थी। बट हम जो जुड़े और हमने इनके साथ काम किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तब कंपनी के चेयरमैन होते थे मिस्टर पीडी चितलांगिया, जो बहुत ही अच्छे आदमी थे। मतलब उन्होंने अब इस कंपनी को जिस तरह से रखा और जिस तरीके से बनाया, मैं नोटिस कर रहा हूँ आज भी कंपनी उसी तरीके से चल रही है, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे जयदीप जी हो, अखिलेश हो, मतलब उसी तरीके से देख रहे हैं। और प्रोडक्ट के बारे में जो फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट क्वालिटी के बारे में वो सोचते हैं, ऐसा और कोई कंपनी सोचती नहीं है। हमने ड्यूरो को जो बेचना शुरू किया और बाज़ार में जब प्रोडक्ट लगाया गया, तो उसकी इस किस्म की डिमांड आई कि वो हमसे हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। मतलब लोग हमसे कहते थे कि आप हमें 200 प्लाई दे दीजिए किसी प्रोडक्ट की, और हम आगे कंपनी में 400 प्लाई का ऑर्डर लगाते थे। बट कंपनी के पास इतना ओवर बुकिंग चल रही होती थी कि कंपनी कह रही थी कि हम आपको 200 भी नहीं दे पाएंगे, अभी हम आपको 100 ही दे पाएंगे। तो हमें भी यही करना पड़ता था कि आगे 4 कस्टमर जिनकी 200 प्लाई की रिक्वायरमेंट है, उन्हें या तो 50-50 प्लाई या 25-25 प्लाई करके दे के उन्हें कहना पड़ता था कि अगले जो वैगन आएगा उसमें आपको मटेरियल देंगे। क्योंकि प्रोडक्ट इतना ज़्यादा डिमांड में था, तो देखिए उस अगर कोई प्रोडक्ट डिमांड में होता है तो उसको बेचना एक शॉपकीपर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। वहाँ हमारी पेमेंट टर्म्स हमारी होती थी कि हम पहले, आज डिस्काउंट पे माल बिकता है, उस टाइम हम प्रीमियम पे माल बेचते थे, तो और कस्टमर लेने को तैयार था। कभी वो ये नहीं कहता था कि आप प्रीमियम क्यों ले रहे हो, वो उल्टा ये कहता था आप मुझे माल दे दीजिए, चाहे किसी भी भाव दे दीजिए, हमें माल दे दीजिए। इवन एक किस्सा और है कि हमने राशन कार्ड पे भी माल बेचा हुआ है, जो शायद ही किसी के साथ हुआ हो। और ऑफ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लाती गई, हम भी वो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करते रहे, उसके साथ ओवरऑल हमारी भी सेल प्लस हो गई। और जैसे ड्यूरो की क्रेडिबिलिटी आज बढ़ गई है, वैसे उसी हिसाब से हमारी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है मार्केट में। कोई भी डीलर 4 चीज़ें चाहता है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स चाहता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहता है, आफ्टर सेल सर्विस चाहता है, और एक ट्रस्ट चाहता है। और ये चारों चीज़ें ड्यूरो के अलावा आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेगी। मैं आज भी देखता हूँ कि जितनी भी मेरे से बड़ी या मेरे उम्र की जनरेशन है, उनके लिए आज भी प्लाईवुड इंडस्ट्री में ड्यूरो इज़ इक्वल टू ट्रस्ट है।